अलर्ट इंडिया न्यूज। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर कठुआ के सौजन्य से आज कठुआ के सरकारी डिग्री कॉलेज में नशा मुक्ति विषय पर एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीसी कठुआ राघव लंगर मुख्य अतिथि तथा एसएसपी कठुआ श्रीधर पाटिल विशेष आमंत्रित अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। संगोष्ठी के दौरान कॉलेज के आधा दर्जन छात्रों ने नशा मुक्त और उसके दुष्प्रभावों के बारे में अपने विचार रखे। Good morning to all of you. I heartily welcome to all of you. I cadet Sonali Sharma of NCC Infantry Wing GDC Kathua. Today I put my view on the topic abuses of drugs. So before begin my speech, I would like to say some words on drugs. So जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आज की इस सेंचुरीज में मेडिसिन का यूज कितना बढ़ गया है। From birth to death, people are directly and indirectly depend upon the medicine, which would consider as a type of drugs. So, let's discuss what is drug. Drug is a medicine or other substance which has psychological effect when injected or otherwise introduced into the body. There are many illegal and legal drugs that are used by the people, such as cocaine, heroines, alcohol, LSD, etc. Illegally, a drug is a substance that affects the way body function of person which classify as illegal. This means it is forbidden by law. Different illegal drugs has different effect on our body. We are taking these drugs to cope with the specific medical problems. However, over time increase does needed to achieve the needed some level of pain relief, and some users can become physically dependent, experience withdrawal symptoms if they try to quit. When there's a drug abuse, user become a drug abuse. People from all walks of life can experience problems with their drug use regardless of age, race or background. The reason they start drug in the first place. Some people have a curiosity to have a good time because friends are doing it or to ease problems such as stress or depression. However, it's not just illegal drugs such as cocaine or heroin that can lead to abuse. If we take the example of US, overdose powerful painkillers and addiction to opiate painkillers can be so powerful, it has become the major risk factor of heroin abuse. आने का मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं अपने विचार रखना चाहूँगा नशा मुक्ति के बारे में। नशा क्या है? नशा वो है जो एक फैमिली को उजाड़ देता है, एक परिवार को उजाड़ देता है। नशा क्यों हो रहा है? वो रहे हमारी सोच की वजह से। हम जब गलत विचार लेकर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? वो हमारी सोच है। हमसे कुछ होता नहीं है, हम कुछ पा नहीं सकते हैं, इसलिए हम नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहली बात ये है कि आप सभी ने नशे के ऊपर बोलना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि नशे की जड़ क्या है। वो है सोच। आज हमारी युवा पीढ़ी कि नशे की ओर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आज काफी ऐसे युवा बच्चे हैं जो ये मान चुके हैं कि हमसे कुछ होता नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि नशा करके आपको एक अलग ही पहचान मिलती है। ऐसी सोच है हमारी समाज की। जब हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, जब हम वही बच्चे
उनके सामने नशा करके उनके बीच में जाते हैं तो सोचो उनको क्या बीत दी होगी। कभी ये सोचा है? किसी ने ये सोचा भी नहीं है भाई। परंतु मुझे बात याद आ रही है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। वो कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेत खलियानों से होकर जाता है। और अगर मैं उसी के संदर्भ में आज कहूं तो नशा रोकने का रास्ता सर्वप्रथम मेरे घर और आपके घर से होकर गुजरता है। इस बात को भी आप याद रखिए। साथियों, अब जो मैं बातें कहने जा रहा हूं महोदय, उसके ऊपर आप थोड़ा गौर कीजिए। जब आने वाला समय होगा, ये देश की जब अगली पीढ़ी आएगी, वो प्रशासन से या पुलिस से या सरकार से नहीं पूछेगी, प्रश्न चिन्ह लगाएगी हम जैसे युवाओं के ऊपर, मेरे जैसे युवा के ऊपर, कि बताइए आप पढ़े लिखे थे, अगर आप नशे में सम्मिलित नहीं थे तो आपने जो आपका साथी नशे में था उसको बाहर निकालने के लिए क्या कार्य किया? आपने जिस समाज जिस धरा के ऊपर जन्म लिया, आपने उसको वास्तव में क्या दिया? हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। 21वीं शताब्दी का भारत प्रगति की ओर अपने पैर जो है वो कदम पसार चुका है, और एक और मेरे देश का युवा अगर नशे में सम्मिलित है तो आने वाले समय में कल कौन इस समाज में एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं कहूंगा एक देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहां से निकलेगा? ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और इस विषय के ऊपर सरकार, प्रशासन और समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों को बैठकर आने वाले वक्त को सामने रखकर जो है वो विचार करने पड़ेंगे। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जो विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट आज टीवी के माध्यम से जो आकर्षण का केंद्र हम जैसे युवाओं के लिए नशा बना हुआ है, अगर सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए तो मैं समझता हूँ कि वक्त से पहले काम जो है थोड़ा रुक सकता है, क्योंकि वक्त बीतता गया तो फिर देर बहुत हो जाएगी। हमें एक चीज और सोचनी पड़ेगी। एक समय था मेरे भारत का युवा भींगी शक्कर खाकर अपने आप को उस खेल के मैदान में लेके जाता था और देश का नेतृत्व करता था, नाम रोशन करता था। आज ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि मेरे देश का युवा गंदी लत में है, और हम सब लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मेरे स्वयं, मेरा परिवार, मेरा पैसा और मेरी अपनी जिंदगी मेरे लिए है। मैं चंद पंक्तियों से अपनी बाणी को विराम दूंगा, ज्यादा ना बोलते हुए, कि अगर बन सके तो बन सहारा बेसहारों के लिए, अगर बन सके तो बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सके तो बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, अगर जी सके तो जी समाज में वो माँ बाप जिनके बच्चे नशे में हैं उनको खुशी दिलवाने के लिए। आइए आज इस सभागार में एक हम एक अपना निर्णय में फैसला करें कि 21वीं शताब्दी का भारत ऐसा भारत बनाकर देंगे जो नशा मुक्त होगा, जिसमें मेरे देश की महिलाओं को जो है इज्जत सम्मान मिलेगा, और एक ऐसा भारत बनाकर जाते हैं पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। आज दुनिया मेरे भारत की नेतृत्व के रूप में देख रही है, हम भारत का नेतृत्व भी करें और पूरी दुनिया को मार्ग दिखाएं जो हमारे चार वेद लिखे गए थे उसके आधार पर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय केंद्र। Or for various other reasons, drug addiction or drug abuse is described as an excessive dependency on a substance which inevitably becomes a compulsive need of the person using it. This need becomes so compulsive that without that substance, person cannot live his life as a normal person does. वहीं मुख्य अतिथि डीसी कठुआ ने अपने संबोधन में कहा कि नशा समाज को खोखला करता जा रहा है। आए दिन लोग नशे विरोध में उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस जिला में अच्छा काम कर रही है। हम सबको मिलकर नशे को समाज से दूर करने की दिशा में इकट्ठे होकर करने की जरूरत है। And the faculty, the acting principal of Gurman Degree College, for having organized this seminar today in Kathua to sensitize the youth regarding the misuse of drugs. On a lighter note, I and Sridhar were just wondering whether this competition is all women competition. And the icing on the cake was from Mr. Gogra with the excellent presentation of his. All the participants spoke very well.
and now it's for the judges to give their marks. The purpose of coming here and organizing this workshop is very specific. Whenever I am going around to different places of the district, a lot of youth come to me, many people, many public-spirited persons, many public representatives, they meet us, they share their views, and I would just believe, hope and wish that the kind of magnitude of this problem which people tell me, maybe it is not to that extent. I would like to believe this. However, the feedback that I get in many of the places are young persons, youth, they are involved in this menace, and this is the high time and the right time that we all stand up to this challenge and try to curb this problem and also find out the root causes, and through these sensitization campaigns we try to contain this to the extent possible. It's very frightening, I'm telling you, the kind of magnitude which people say, and when people say that this is just a tip of the iceberg that you all see, and the problem is very vast, and this particular menace has entered into the households and to the activities of daily living of lot of persons. So it is very frightening to hear all these things. On our part, the district police Kathua is doing an excellent job. Our SSP has launched a war on drugs, and every day you must be reading newspapers and articles that police is doing excellent enforcement drive and catching hold of these persons involved in this illicit trade, and all the sections under NDPS and under relevant sections of law are being imposed. However, we have to understand that there is a supply only when there is a demand, and that is the business principle. So it means there is some kind of a demand, and because Kathua is the entry gate to the state, and maybe I'm not aware, people say that it is a route for this cartel to operate and to enter into the state. So we are at a very strategic and an important location, and our responsibility becomes all the more to curb this menace and to check this kind of a practice that is getting strong hold in the district as well as in the state. I have told my officers of the civil administration to organize such workshops more and more, and we would be going to colleges, schools, sitting with the civil society, organizing these and sharing these ideas with common persons, public representatives, so as to understand this problem. We have all gone through this phase during the youthful years, especially I have seen when you are nearing completion of your graduation, and then you are preparing for some exams or looking for a job. That is the most crucial phase, because many of us find ourselves in the middle of nowhere. That point of time, many of us think that maybe there is no more purpose to life, and because things are all very hazy, you don't know, you have not entered into a particular stream. So that is a period where one is more susceptible, and then during the youthful years and during your college days, like many of the speakers said, it is the peer pressure to try something new, the idea to look cool and to get a kick out of it. So these things are very dangerous, because at that point of time we don't realize what ill effects it can have. There are brighter side to life. There are many challenges to tackle. A positive outlook towards life is very important. Yoga, meditation, sports, these are the things which act as a vent to our feelings, give us positive energy, and help us to be away from all these ills of the society and all these bad habits. So I would encourage each one of you to be part of a healthy lifestyle, to be positive, look towards the positive aspects of life. It is all the more important.
Moreover, it, as a parent, as teachers, it is also our responsibility to observe our children, very keenly. If there are any behavioral changes, if there are changes in the way they react to different situations, the way they are talking to us, interacting with us. So these are some of the initial symptoms and initial kind of reactions from the person who is involved in any kind of drugs. So the responsibility of parents, the friends also, and teachers also becomes all the more important to keenly observe their pupils and their wards if they are involved in any kind of a thing, and to observe these kind of a changes. The drug department is also regulating the retailing and the wholesome distribution of the drugs that is happening. See, there is a very thin line between medicines and drugs. So a regulation on their part is also very important. Police is playing its part as far as the enforcement is concerned. They have an excellent de-addiction center. I requested SSP sir, we'll both be visiting the de-addiction center also, interacting with the staff there. If they have any requirements, we'll be approaching the industry also under CSR and your department also to help make this de-addiction center state of the art. But then it's very important on part of all of us to be aware of this challenge and to understand what effects this can have, not only on our family, on our relations, but also on the society and the nation as a whole. वहीं एसएसपी कठुआ श्रीधर पाटिल ने कहा कि नशा समाज से दूर रहने के लिए सबसे पहले नशे के कारणों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। This is my respected professors from Government Degree College Kathua, dear colleagues from media fraternity and such important dear students. I feel delighted to be here because after a gap of say about 10 years, I am feeling this college feel again. So it's been 10 years that I have left my college and started preparing for the services. Almost all have been said. बहुत सारी बातें हो चुकी है ड्रग अब्यूज के ऊपर. ओनली दो चीज़ें मैं थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बोलते हुए आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहला है कॉजेस. कॉजेस में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ के स्टूडेंट्स ने किया है. जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के पुलिस के करियर का, उसमें से जब हम एनालाइज करते हैं केस टू केस बेसिस, थाउजेंड्स ऑफ केसेस वी हैव एनालाइज, उनकी फैमिलीज को एनालाइज किया है, उनके रिलेशंस को एनालाइज किया हुआ है, व्हाई दे आर इन टू दिस ड्रग अब्यूज वो एनालाइज किया हुआ है, और वो सारा जब हम निचोड़ निकालते हैं तो एक कॉमन दो तीन बातें सामने आती हैं, वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. फॉर द रीज़न कि कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी पाएंगे कि आप भी उसमें से किसी स्टेज पे हैं. एवरीवन इज ऑन अ स्टेज इन लाइफ जो धीरे 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 एक एक कदम बढ़ते बढ़ते रास्ते अलग होते जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं ड्रग अब्यूज़ के रास्ते चले जाते हैं. फर्स्ट थिंग, वी aspire very high and everyone must. हम लोग बहुत ही ऊंची ऊंची अपनी मंजिलें रखते हैं और उन मंजिलों को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं. कहीं कहीं देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स कि वो मंजिलें किसी को मिलती हैं. सिमिलरली देर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स कि वो किसी को नहीं मिलती. जो ये डिफरेंस बनता जाता है, वो मंजिल कोई आपका करियर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक करियर एक मंजिल है. रिलेशन, कोई रिलेशन पर्टिकुलर रिलेशन को पाना वो एक मंजिल है. कोई मटेरियल एस्पिरेशन लाइक पर्टिकुलर व्हीकल, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बंगलो, ये भी एक मंजिल है. एवर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, अपनी अपनी हम मंजिल तैयार करते हैं, अपनी अपनी मंजिल चुनते हैं और उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और जब वो हमें किसी रीजन से हाथ नहीं लगती है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हम करते हैं तब भी हाथ नहीं लगती है, धीरे 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 मंजिल पाने वालों का और ना पाने वालों का इस रास्ते अलग होना शुरू हो जाता है. यू आर राइट ऑन दैट स्टेज वेयर यू आर ट्राइंग, यू आर वेरी हार्ड टू अचीव योर गोल्स.
और जो रास्ते जब अलग होके निगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेस डेवलप होना शुरू होता है, ये स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑप्शन ऑफ फ्रेंड्स टू शेयर, आज एक जस्ट मौका है इसलिए पूछना चाहूँगा, विद परमिशन टू डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, हाउ मेनी ऑफ यू स्पेंड एट लीस्ट 3 hours अ डे ऑन मोबाइल फोन, प्लीज रेज योर हैंड्स। मी आई एम स्पेंडिंग This is at least 3 hours a day. I know majority of you. Your hours a day we are spending on mobile phone, on screen. Screen time is 2 hours plus for any adult. And that is creating a virtual world where we are living in. एक virtual world होता है जहाँ पे आपके बहुत सारे friends बनते हैं, वो friends टूटते हैं, और वो जब friend टूटते हैं तो share करने के लिए actual world में कोई friend ही नहीं होता। You have thousands of friends on Facebook, not a single in the real world. ये एक दोस्त जिसके साथ आप अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेस आता है शेयर कर सकते हैं, दुख होता है शेयर कर सकते हैं, खुशी होती है शेयर कर सकते हैं, वो नहीं मिलता है। फैमिली में ऐसा माहौल नहीं होता है, डिस्टर्ब रिलेशंस, मम्मी पापा के बीच में झगड़े, पापा शराब पी रहे हैं, मम्मी को पसंद नहीं है, या मम्मी जॉब पे जाती है पापा को पसंद नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ रीजंस फैमिलीज डिस्टर्ब हो चुकी है, मम्मी पापा के झगड़े लगते हैं, हम लोग देखते रहते हैं और वो सारा स्ट्रेस हम अपने अंदर लेते रहते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। देयर इज नो वेंटिंग आउट, कोई दोस्ती नहीं है, कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके पास आपको शेयर कर सके, और फिर आपको एक साथी मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ You all know it, yeah? आप सभी लोग ये चीज जानते हैं। श्री दत्त पाटिल जी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री प्रेमनाथ जी, एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज कठुआ, एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर स्पेंडिंग सच ए वैल्यूएबल टाइम फॉर सच ए प्रोग्राम। इन फ्यूचर आई विल आल्सो कंटिन्यू सच प्रोग्राम्स इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ विद अंडर द गाइडेंस ऑफ our worthy deputy commissioner Dr. Raghul Ankar ji, thank you very much। मेरा नाम मानसी है, मैं GDC कठुआ की एक स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर एक सिंपोजियम कंडक्ट कराया गया है, जिसमें हम लोगों ने बताया कि नशा कैसे हमारी सोसाइटी में छाया हुआ है और हमारे लोगों जो भी टीनएजर्स हैं उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। नशे से हमारा जो फ्यूचर है देश का वो भी खतरे में है, क्योंकि हमारे जो युवा है वो नशे की लत से पीड़ित है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है देश का वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में लग रहा है। नमस्कार, मैं नमन डोगरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ का विद्यार्थी। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर एक सम्पोजियम का आयोजन किया गया था NSS के माध्यम से, जिसमें DC कठुआ माननीय SSP साहब चीफ गेस्ट के रूम में थे। साथियों, हम सब जानते हैं नशा शब्द जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, परिवारों के भी जिनके बच्चे आज नशे के कारण हमारे बीच में नहीं हैं। नशा जो है वो समाज को दिन ब दिन इस तरह से खाया जा रहा है कि जिसने हमारी युवा पीढ़ी को, जो उसकी कुछ कर गुजरने की उम्र होती है, वो नशे में आकर उसको टोटली तबाह कर चुका है। मेरा ये समाज, एक इतनी बड़ी युवा आबादी आज इस समाज, इस रियासत, इस देश के अंदर है, परंतु एक नशे के कलंक के कारण हम लोग तबाह होते जा रहे हैं। एक समाज के जिम्मेदार विद्यार्थी और नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज से नशा
दुष्प्रचारों को ख़त्म करें और अपनी युवा पीढ़ी को एक नए रास्ते पर लेकर जाएं जो समाज, अपने परिवार, अपने देश का नेतृत्व करे और एक अच्छा, समर्थशाली और शक्तिशाली और ताकतशाली हम भारत बना कर दें। धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल सहित स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज़। अलर्ट इंडिया न्यूज़।